हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका आपके ही चैनल हेल्प टू ऑल में। फ्रेंड्स, दी ट्रैफिक इनकम के अबाउट वीडियो अपलोड की थी, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपने सीखा था कि ट्रैफिक इनकम पे कैसे अकाउंट बनाते हैं और कैसे इसमें साइन अप हो सकते हैं और क्या इस वेबसाइट का सीन है जिसमें हम अपनी बहुत ज़्यादा अर्निंग हासिल कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों से शेयर किया जाएगा कि कैसे आपने इसमें फंड्स ऐड करने हैं और कैसे आप इसमें अपने एडबैक बाय कर सकते हैं जिनके थ्रू आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी इस वेबसाइट में, जो बहुत ट्रस्टेड है, बहुत लेगेड है और बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे रही है। अंदाजन 3 से लेकर 4% तक वेबसाइट आप लोगों से शेयर करती है पर डे का, और हर घंटे बाद आपको प्रॉफिट शेयर किया जाता है इस साइट में। और इसके अलावा इसी वीडियो में आप लोगों से मैं ये भी शेयर करूंगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट था लास्ट टाइम $50 था, मैंने उसमें मजीद $50 इन्वेस्ट कर दिया है और अब इस वक्त मेरी डिपॉजिट जो है वो $100 हो चुकी है और उसके अगेंस्ट कितनी अर्निंग हो चुकी है मेरी, और वो भी मैं शेयर करूंगा। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि मेरे एड पैक कितने इस वक्त मौजूद हैं। तो आपको लेके चलता हूँ द ट्रैफिक इनकम में। बहुत ज़बरदस्त साइट है, बहुत मजे की और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ट्रस्टेड और फास्टेस्ट। स्ट्राइड रेवेन्यू शेयर में मेरा बिजनेस पहुंच चुका है $350 से ऊपर। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा कि कितनी अर्निंग में डेली की उसमें कर रहा हूं और कितना विड्रॉल में डेली का निकाल रहा हूं। अंदाजन $15 में डेली का उसमें से 5-6 दिन हो गए हैं निकाल रहा हूँ। उसमें भी स्ट्रेटजीज हैं फ्रेंड्स। रेवेन्यू शेयर साइट्स ऐसी साइट्स होती हैं जिनके थ्रू आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। शर्त ये होती है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होती है, आप लोगों को एडपैक बाय करना पड़ते हैं, उसके बाद ही आप लोग अर्निंग करोगे। और मैं आपको बताता हूँ कि किस साइट में कितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग करो तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे ब्लॉगर हैं, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ट्रैफिक है, आपके रेफरेंस हैं, तो आप लोगों को छोटी इन्वेस्टमेंट से भी फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे नीचे रेफरल्स नहीं है, तो आप लोगों को जितनी इन्वेस्टमेंट मैं बताऊँ आप लोग उतनी इन्वेस्टमेंट से अपना प्लान शुरू करो ताकि रियल में आप लोग अर्निंग करो जितना मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि मैं बताता हूँ कि 2 माह के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिनों के अंदर इतना आप कमा सकते हो, लेकिन फॉलो नहीं करते कुछ लोग। मैं कितनी इन्वेस्टमेंट मांगता हूँ कि इस वेबसाइट पर लगाएं, उसके बाद ही इतनी अर्निंग आती है। अगर आपके पास कोई रेफरल नहीं है इस साइट में लेने के लिए, तो आप लोगों को ट्रैफिक इनकम में आना होगा विद स्टार्टिंग $100। कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं मैं आप लोगों से लगवा रहा, कोई लाख रुपए या 10 लाख रुपए नहीं कह रहा। $100 इज इक्वल टू 10,000 पाकिस्तानी करेंसी। तो 10,000 से आपका फ्यूचर बन सकता है इस साइट के ऊपर अगर आप फॉलो करते हो मेरी इंस्ट्रक्शंस को, और इंडियन करेंसी में तो ये तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए बनते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट है। और अगर आप लोगों को पता हो कि भाई इस साइट ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देना है, मैं तो इसमें $100 डिपॉजिट कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें $100 डिपॉजिट हो चुका है, $5 मैंने विड्रॉ किया था। मैं आपको पेमेंट हिस्ट्री भी दिखा देता हूं कि मैंने इसमें कब कब कितना कितना लगाया, और जो $0.1 मुझे मिला वो कब मिला मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। 21 मार्च को मैंने वेबसाइट को ज्वाइन किया था जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और 21 मार्च को ही मैंने एडपैक बाय कर लिए थे। ये ट्रांजेक्शन है इन्वेस्ट डिपॉजिट की और ये ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टमेंट ऑफ एडपैक्स की। उसके बाद 29 मार्च को मैंने फिर से $50 इन्वेस्ट किया और उसके बाद $50 के मैंने अगेन एडपैक्स बाय कर लिए। पहला प्लान मैं ले चुका था पूरे का पूरा, जो कि 50 एडपैक आप ले सकते हैं $1 वाले, और उसके बाद मैंने लिए थे $2 वाले 25 एडपैक्स, जो कि $50 में 25 ही आते हैं। आप देख सकते हैं पहला प्लान जो प्लान 1 है वो मुझे अब नहीं नजर आ रहा, बिकॉज मेरे पास वो सारे के सारे एडपैक्स मौजूद हैं। ओवरव्यू में आप लोगों को दिखा देता हूँ और उसके अगेंस्ट अर्निंग कितनी आएगी और कितनी आ चुकी है ये देखें। 50 एडपैक्स मेरे पहले प्लान में मौजूद है और उसकी अभी तक मुझे $11 की अर्निंग आ चुकी है, और प्लान 2 में मेरे 25 एडपैक्स मौजूद हैं, यानी कि 75 शेयर्स हो चुके हैं और जिनकी $12 मेरी अर्निंग मौजूद है। तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं, लेकिन मेन सीन इसमें यह है कि जितनी आपकी अर्निंग बैलेंस है, अगर आप अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हो तो आपको करनी है इसमें कैपिंग। कैपिंग मतलब रीपरचेजिंग, मतलब कंपाउंडिंग। मैं आपको कंपाउंडिंग करके भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि अपनी इसी अर्निंग में मैं कैसे एडपैक मजीद बाय करता हूँ। सबसे पहले सीख लेते हैं कि हमने इसमें एड फंड कैसे करने हैं। फाइनेंस में आएंगे, फाइनेंस में आने के बाद एड फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही एड फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का चार्ट आ जाएगा। जितनी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें, $1 से भी स्टार्ट करना चाहें, तो आपकी सिलेक्शन है, च्वाइस आपकी है, आपने कितने डॉलर से यहाँ पे आना है। साइट ट्रस्टेड है, विड्रॉ मैं ले चुका हूँ। चले मैं आपको विड्रॉ भी दिखा देता हूँ जो मैं नहीं दिखा सका। विड्रॉल हिस्ट्री पे आएंगे और आप लोगों को दिखाता हूँ कि $5 मुझे कब मिला। और ये आप देख सकते हैं कि $5 मैंने 25 मार्च को यहाँ से लिया और ये आप लोगों के सामने मेरा पेमेंट प्रूफ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने एड फंड करना है, जो कि मेरी मेन वीडियो का मकसद है। और यहाँ पर आपने लिखना है $100। अगर आप 100 स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप
$5 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 5 लिख दीजिएगा, पैसा से करने हैं तो पैसा कर दीजिएगा। मैं जो क्वाइन पेमेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ यानी कि बिटकॉइन, जो कि एक ट्रस्टेड और बहुत अच्छा एक वॉलेट एड्रेस होता है, जो कि आपका अच्छा बिटकॉइन बैंक अकाउंट होता है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि क्वाइन पेमेंट्स के थ्रू आप कैसे इसमें ऐड फंड करोगे। यू को यहाँ पे लिख लेंगे अपना कैप्चा, उसके बाद आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं उस वक्त के जब मैंने 21 मार्च को इसमें ज्वाइनिंग की थी, और उसी वक्त की मैंने स्क्रीनशॉट आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसमें एड्स फंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वाइन पेमेंट्स के अगेंस्ट जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, इस तरह का, ठीक है। क्वाइन पेमेंट्स के मेन वॉलेट में आपको ले जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद लास्ट नेम, और उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस। फर्स्ट 3 स्टेप्स ये आप गौर से देख लें, सुन लें, बिकॉज मुझे लोग कॉल करते हैं बाद में कि सर हमारा यहाँ पे मसला आ रहा है, हालांकि वही बातें मैं वीडियो में शेयर कर चुका होता हूँ। अगर आप अच्छी तरह वीडियो देख लो तो आपको किसी भी बंदे से हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को वीडियो में सब कुछ शेयर कर देता हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर सेकंड नेम, और उसके बाद ईमेल, ठीक है। उसके बाद ये जो एड्रेस है, जितनी अमाउंट आपके जितने आपने डॉलर इन्वेस्ट करने हैं उसके अगेंस्ट खुद ब खुद ही आपको बिटकॉइन बता देगा कि भाई इतने बिटकॉइन हमें सेंड करो, ठीक है। यहाँ पे ये बार ब्लू कलर में होगा, आपने इस पे करना है क्लिक और इसको ग्रीन कलर में शो करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। मैं चूंकि क्लिक कर चुका था इसलिए उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो ये ग्रीन में शो हो रहा है। क्लिक करने के बाद आपने करना है यहाँ पर क्लिक कंप्लीट चेकआउट। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज बन जाएगा। बिटकॉइन का एड्रेस वो आपको जनरेट करके दे देगा कि भाई इतने बिटकॉइन हमें इस एड्रेस पे सेंड कर दो, और यहाँ पे टाइमर शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस एड्रेस को करना है कॉपी, अपने क्वाइन पेमेंट्स या जो भी आप वॉलेट यूज करते हो वहां पर जाना है और सेंड फंड्स के सेक्शन में जाके वो एड्रेस जो मैंने आपको यहाँ दिखाया इसको अच्छी तरह केयरफुली कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद जो अमाउंट आपको बताए मैंने $50 इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उसकी अमाउंट उस वक्त हुई थी 46,83,000 सतोशीज, जो मैंने यहाँ पर सेंड फंड्स के सेक्शन में आके क्लिक यहाँ पर लिखा और सेंड फंड्स पर क्लिक कर दिया। आपने जब अमाउंट लिखनी है वहां से कॉपी करके एड्रेस लेना है और सेंड फंड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेंड फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो कन्फर्मेशन मांगेगा, कन्फर्म कर देंगे, यहाँ पर कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप कन्फर्म करेंगे तो सेंड ट्रांजेक्शन यानी कि ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी। उसके बाद विद इन 10 मिनट्स आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये मैं पिछले पेज की तरह दिखा रहा हूँ ये वाला पेज। जब आप सेंड फंड्स कंफर्म कर देंगे तो वो पेज विद इन 10 मिनट्स उसी वक्त नहीं आएगा, 10 मिनट्स के बाद ये पेड का आ जाएगा। जब आपका पेड आ जाए तो इट्स मीन कि आपकी पेमेंट क्वाइन ट्रैफिक इनकम को मिल चुकी है। आफ्टर 30 मिनट्स आपने दोबारा आना है और यहाँ पर मैसेज भी शो हो जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर योर पेमेंट। उसके बाद आपने करने हैं एड पैक बाय, आपने एड पैक बाय करने के लिए यहाँ पर आना है, परचेज पोजीशन पर क्लिक करना है। फाइनेंस के बाद परचेज पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एड पैक का चार्ट खुल जाएगा कि कौन सा एड पैक आप लेना चाहते हैं, आपने उस एड पैक को सिलेक्ट करना है। सपोज मेरे सामने इस वक्त खुल रहा है $2 वाला, मैंने परचेज के बटन पर क्लिक किया और जितने एड पैक मेरे अकाउंट में मौजूद हैं यानी कि मेरे जितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, जितने डिपॉजिट मैंने किया था, उसी के अगेंस्ट मैं इसमें एड पैक ले सकता हूँ। आपके अकाउंट में कैश बैलेंस में होगा बैलेंस, कैश बैलेंस चूंकि आपने डिपॉजिट किया है तो वो कैश बैलेंस में ही शो होगा। जितने एड पैक आपने बाय करने हो, अगर आपने $50 इन्वेस्ट किया है तो $50 के अगेंस्ट ले लें या $30 के लेने हैं, जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर ये कोड एंटर करना है, आई एग्री करना है और पे नाउ कर दीजिएगा। विद इन 5 और 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपके एड पैक आपके अकाउंट में शो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर $2 वाले एड पैक लेके दिखाता हूँ अपनी अर्निंग बैलेंस से, जो कि मैं कर रहा हूँ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग करने से होगा क्या कि मेरी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज एड पैक बढ़ेंगे तो अर्निंग भी बढ़ेगी। $6 की अर्निंग मेरे पास मौजूद है अर्निंग बैलेंस में और मैं 3 एड पैक मजीद बाय कर रहा हूँ, 75 शेयर्स मौजूद हैं, वो हो जाएंगे 78। यहाँ पर किया पे नाउ पर क्लिक और आपको दिखा देगा कि आपने परचेज सक्सेसफुली कर लिया है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आपके सामने है पोजीशन परचेज सक्सेसफुली। उसके बाद आते हैं हम ओवरव्यू पे, मैंने अपनी अर्निंग बैलेंस से आपको परचेज करके दिखाए एड पैक, आपने अपने कैश बैलेंस से करने हैं स्टार्टिंग। आपके सामने है मेरे एक्टिव शेयर्स हो चुके हैं 78, टोटल मेरा डिपॉजिट $100 था जिसके अगेंस्ट मुझे अब अर्निंग होगी डेली की और ज्यादा, जितनी ज्यादा अर्निंग बढ़ती जाए आपने एड पैक बाय करते जाने हैं। 2 मंथ्स आपने 40 से 50 डेज यही प्रोसीजर करना है, एट द एंड आपके पास होंगे बहुत ज्यादा एड पैक्स जिसके अगेंस्ट आपको अर्निंग हो जाएगी $10 से $20 डेली की। ये उनको होगी जो स्टार्ट करेंगे $100 से। अगर आप चाहें तो 15 से 20 दिनों के बाद विड्रॉ लेने के लिए, चेक करने के लिए साइट की स्टेबिलिटी, साइट पे विड्रॉ
देती है। मैं विड्रॉ ले चुका हूँ, ये $5 का लिया हुआ है। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो आप $100 पहले स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करें। ये आप देख सकते हैं मेरा भी $100 ही है, मैं ऐसे नहीं आपको बता रहा। अच्छा, आप अगर चाहें तो विड्रॉ भी ले सकते हैं, 10-15 दिनों के बाद विड्रॉ चेक करना चाहें विड्रॉ ले सकते हैं, और उसके बाद 40-50 डेज कम से कम कंपाउंडिंग करें आप, कोई विड्रॉ मत कीजिएगा उसके बाद, और अपने एड पैक्स को बढ़ाएं, क्योंकि एड पैक्स को बढ़ाने से ही आपकी अर्निंग बढ़ेगी। उसके बाद 50 डेज के बाद आपको डेली के आएंगे $10 से $20, आपको चाहिए कि आप $10 निकाल लो, $10 से फिर से एड पैक बाय कर लो। अब मैं आपको एक स्टेटस दिखाता हूँ एक भाई का, मैंने जो आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था, जिसने लगाए थे $2,500, और उसकी कितनी अर्निंग है, कितने उसके एड पैक्स हैं, कितने उसने डिपॉजिट किया, कितना उसने विड्रॉ किया, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने है भाई का अकाउंट, और $2,505 का डिपॉजिट किया, जिसमें से उसने टोटल विड्रा $4,880 का, शेयर अर्निंग उसको हो चुकी थी $30,534 की, और विड्रा लिमिट उसकी थी 7,515, यानी कि 3x कैप। जितनी आपने इन्वेस्ट की उसका 3 गुना आप निकाल सकते हो, और उसके एक्टिव शेयर्स थे 862। सेम स्टेटस बिल्कुल इसी तरह का तकरीबन मिलता जुलता मेरा स्टेटस इस वक्त स्ट्रेट रेवेन्यू शेयर में भी मौजूद है। आप लोग कहेंगे कि शायद मैं नेट से डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाता जा रहा हूं, ऐसा रियल में मैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर स्ट्रेट रेवेन्यू शेयर का जो एक्टिव स्टेटस है मेरा, जो $350 से ऊपर अर्निंग हो चुकी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और डेली का मैं उससे $15 निकाल रहा हूँ। वो साइट बहुत तेज है, लेकिन आप लोगों को एक पते की बात बता दूं कि उस साइट का लॉन्ग टर्म चलने का प्लान नहीं है। अगर आपने उसमें काम करना है बिल्कुल करो, लेकिन 2 माह से ज्यादा उसमें अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनानी आप लोगों ने, बिकॉज साइट मेरे अंदाजे के मुताबिक 6 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। स्ट्रेट रेवेन्यू शेयर साइट फिलहाल बहुत अच्छा चल रही है, मुझे डेली का विड्रॉ दे रही है, लेकिन साइट लॉन्ग टर्म चलने के अबाउट कुछ मशकूक है। आप लोगों को ये अपडेट भी दे रहा हूँ कि 6 माह तक साइट कहीं नहीं जाने वाली, बिकॉज उसका एडमिन बहुत ट्रस्टेड है, 10 साल का उसका एक्सपीरियंस है, वो साइट बहुत तेज है, अब तक की आने वाली रेवेन्यू शेयर साइट से सभी साइट से बहुत ज्यादा तेज है वो। तो अगर कोई चाहता है कि मैं 2 माह के अंदर अंदर बहुत अच्छी अर्निंग करूं, तो आप लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और 2 माह के अंदर अंदर जितनी अर्निंग होती है निकाल के बाहर आ जाओ। लेकिन लॉन्ग टर्म चलने वाली साइट्स में आपको शेयर करता रहूंगा, दी ट्रैफिक इनकम लॉन्ग टर्म साइट है, ट्रस्टेड है, फास्टेस्ट है, डेली का हमें 3-4% रिटर्न देती है हमारी इन्वेस्टमेंट का, और जितना हमने इन्वेस्ट किया, सपोज हमने $50 इन्वेस्ट किया, तो हमें ये विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हमारे $50 भी हमें वापस करेगा, और 115% के अकॉर्डिंग जो भी प्लान हमने चूज किया होगा उसको वो भी हमें रिटर्न कर देगा। जितने ज्यादा एडपैक आपने चूज किए होंगे उतनी ज्यादा अर्निंग ये साइट आपको देने वाली है। और अगर आप लोग डेली अपनी अर्निंग की करते हैं कंपाउंडिंग, जो कि हमें हमेशा बताता हूँ कि रेवेन्यू शेयर साइट्स में जो हब का काम करती है, जो आपकी अर्निंग को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देती है, वो है आपकी कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग नहीं करेंगे तो आपको 30 डेज तक वेट करना पड़ेगा, और एट द एंड आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 115%। इससे बेहतर यह है कि डेली के आप 10 एड्स देखो, उसके अगेंस्ट आपको मिलेगी अर्निंग से आप फिर से एडबैक बढ़ाते जाओ। 30-40 डेज आप यही काम करो, ये काम करने से आपके शेयर्स बढ़ेंगे, यानी कि ये आप देख सकते हैं एक्टिव शेयर्स 862, जिसके अगेंस्ट आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। इसी के अलावा एक और पिक भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो कि इसी बंदे की पिक है, जिसने बाद में फिर से 3 बिटकॉइन इन्वेस्ट किए थे, यानी कि टोटल डिपॉजिट उसका हो चुका था $5,510, विड्रॉ लिमिट 3 गुना बढ़ चुकी थी, विड्रॉ वो कर चुका था 10,530। ये कोई मतलब बनाया हुआ पिक नहीं है, ये लाइव पिक है, डाउनलोड ही मैंने किया है, लेकिन ये अकाउंट वाकई ही मौजूद है, काफी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, 2 अर्निंग प्लान के बारे में मैंने बताया था अपने चैनल पे, एक और अर्निंग प्लान अभी मौजूद है जो कि मुझे पे आउट कर चुका है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर। तब तक आप लोग समझ जाओ द ट्रैफिक इनकम को अच्छी तरह, और इसमें कर दो अपनी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मैं वही चीजें शेयर करता हूँ अपने चैनल पे। शुरू में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो साइट ट्रस्टेड होती है, जो वाकई ही रिटर्न देती होती है, वही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, बिकॉज मेरा मोटो ये है कि आप लोग मेरी वजह से अर्निंग करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों का लॉस हो। सारा कुछ मैंने आप लोगों को ट्रैफिक इनकम के अबाउट बता दिया, और कल से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है, काफी लोगों ने मुझे कॉल्स भी की हैं कि सर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग काम करें, ऑनलाइन में रॉक करें, जो प्लान मैं बताता जाऊं उसमें लगते जाएं। अर्निंग की जो चीज है, अर्निंग भी आएगी जब आप लोग एफर्ट करेंगे, जब आप लोग प्रोग्राम्स ज्वाइन करेंगे, तो आप लोगों के सामने सारा कुछ होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई बात करनी हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो द ट्रैफिक के अबाउट, आपके माइंड में कोई सवाल हो, तो प्लीज करें कमेंट, मैं आपको करूंगा रिप्लाई। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को प्लीज शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स में, ताकि और ज्यादा लोग हमारे साथ मिलकर अर्निंग करें।
और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज कर लें, बिकॉज यहाँ मैं शेयर करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़।